गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ माय डे टू इन मनाली। कल मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी एंड मैं लाइव भी आई थी, मॉल रोड गई थी घूमने के लिए। तो आज इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग, अभी उठी हूँ मैं एंड थोड़ा रेडी होने पा रही हूँ अभी। एंड हम लोग आज रोहतांग जा रहे हैं, तो उसके लिए अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो यह मुझे लगा कि मैं अपनी छोटी सी इस ट्रिप की एक वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ एंड शेयर करती हूँ। तो मैं कंटिन्यू करूँगी आपके साथ और मनाली में एंड ठीक है, फिर रास्ते में आपको दोबारा से कंटिन्यू करके मिलती हूँ। सो हम यहाँ से निकल गए थे रोहतांग पास के लिए। ऑन द वे यू आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा रूट है इसका। और यहाँ पे स्नो सूट आपको नीचे भी मिल जाएंगे, जो कि 250 रुपीज़ रेंटल पे थे सीज़न के टाइम में। हमने यहाँ पर रुक कर लिए भी थे। एंड जो साइड में आप लेक देख रहे हैं, ये व्यास लेक है जो कि थ्रू आउट चलेगी इस रूट पे। एंड यू कैन सी दीज ब्यूटिफुल माउंटेन्स, बहुत ही प्यारे, बहुत प्यारा रास्ता है यहाँ का। बट जर्नी थोड़ी लंबी थी और इसीलिए हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा। ये देखिए, आप देख सकते हो शीप्स एंड इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू। इसके आगे जब आप जाएंगे तो ये आप जो ढाबाज एंड ऑल देख रहे हैं रोहतांग पास के रूट में, ये ढाबा पड़ेंगे आपके बहुत सारे। दिस इज़ इन सागू वैली और यहाँ पे आप वॉशरूम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से रोहतांग पास पहुँचने का रास्ता जो है वो अराउंड 45 मिनट्स और 1 आवर का रह जाता है। सो हमने यहाँ पर अपना स्टॉपेज लिया था जस्ट बिफोर रीचिंग रोहतांग पास। एंड यहाँ पर हमने रुक के नाश्ता किया एंड वॉशरूम्स वगैरह हमने यूज़ किया। एंड यहाँ बहुत अच्छा व्यू है गाइस, आप चाहो तो यहाँ पे भी अपनी वीडियोस बना सकते हो, आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। सो इस ढाबे की सराउंडिंग का जो व्यू है, इट इज़ डैम ब्यूटिफुल। आप देखते जाइएगा आगे, थोड़ा थोड़ा वीडियो में आता रहेगा। इट्स अ स्लोमो वीडियो, सो यू विल लाइक इट। सो keep watching the view. So here we are guys, हम लोग रोहतांग पास पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हो आप, इतनी प्यारी स्नो व्यू है यार। यहाँ पे बहुत स्नो थी, बहुत मज़ा आ रहा था। सो रोहतांग पास पे बेसिकली आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। एक्टिविटीज़ लाइक स्कीइंग यहाँ होती है, ट्यूब राइड होती है, याक राइड, हॉर्स राइड और आई थिंक हाँ पैराग्लाइडिंग होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ हो नहीं रही थी। एंड ज़िप लाइन होता है। तो ये सारी ज़िप लाइन रोहतांग पास में नहीं होता ना, नीचे उतर के होता है। सो ये सारी राइड्स हैं, इनके पैकेजेस होते हैं, वो आपको नीचे स्नो सूट वाली जगह पे मिल जाएंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा कर सको, आप कोशिश ये करो कि आप नीचे से पैकेज मत लो, बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ऊपर राइड्स सस्ती हैं, आप इंडिविजुअली राइड अपने लिए चूज़ करो। नीचे पैकेज बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि आप ऊपर बहुत महंगा मिलेगा, बट इट्स वाइस वर्सा। नीचे एक्सपेंसिव दे रहे हैं, ऊपर इट्स मच चीपर। सो या आप देख सकते हो हम लोग याक राइड इन्जॉय कर रहे हैं एंड इस ब्यूटिफुल व्यू के साथ। सो हम ट्राइंग टू कैप्चर एवरी मोमेंट जितना हो सकता है, बट इस व्यू में बहुत मज़ा आता है। और ऊपर कैफ़ेज़ भी हैं, आप यहाँ पे स्नो के बीच में बैठ के मैगी इन्जॉय कर सकते हो, चाय मिलती है, कॉफ़ी एंड ऑल, छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं। सो या इन्जॉय करिए, आप देख सकते हो आप, हम लोग बहुत मज़े कर रहे थे यहाँ पे। लाइक बहुत प्यारा मौसम था, बहुत अच्छा व्यू था एंड राइड भी बहुत अच्छी थी, इट वॉज रियली फन। तो कंटिन्यू वॉचिंग इट, थैंक यू। मैं यहाँ पे ट्यूब राइड करने के लिए आई थी, तो मुझे लगा पहले मैं आपको एक अच्छा सा स्नो व्यू देती हूँ। तो आप देखिए, अब मैं आपको एक स्नो व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। लुक अराउंड, हर जगह बस स्नो ही स्नो है। यहाँ से ट्यूब राइड हो रही थी नीचे के लिए, हम उसी के लिए यहाँ आए हुए थे। तो आप देख सकते हो, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल ओवर हियर।
Look at this beautiful view. Let me show you. सो यहाँ पे मैंने अपनी ट्यूब राइड की थी और ये छोटी सी क्लिप मैंने अपनी ट्यूब राइड की खुद से शूट करी थी, तो बहुत मज़ा आया था ट्यूब राइड करके। सो हम रोहतांग पास से निकल गए थे और ये जो मेरे पीछे आप व्यू अभी देखोगे ये अटल टनल का एंट्रिंग पॉइंट है ये पीछे। सो अटल ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ पर हमने रुक के फोटो। जिपलाइन नीचे जाके होती है जो व्यास रिवर को क्रॉस करना होता है आपको, तो ये जिपलाइन यहाँ पे करते हैं। एंड जिपलाइन का नीचे चार्ज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि हम तो पैकेज खरीद चुके थे, बट वैसे चार्ज 200 rupees है। सो सीजन में भी इट्स प्रीटी चीपर। सो यहाँ पे हमारा डे टू मनाली का जो जर्नी है वो एंड होता है। हमने कवर किया रोहतांग पास एंड अटल टनल एंड सोलांग वैली। ये पूरा 8 से 10 घंटे का ट्रिप था हमारा, बट वी रियली इंजॉयड इट। आई होप आप लोगों ने भी मेरी इस वीडियो को इंजॉय किया होगा, और अगर इंजॉय किया है गाइस तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करो और शेयर भी करो और फॉलो करो मेरे चैनल को, सो दैट के आगे और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको आती रहे। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, बाय। Hey guys, welcome back to my channel. So, आज वीडियो में हम लोग चल रहे हैं हिडिम्बा टेम्पल। हमारा मनाली का लास्ट डे है, तो आप चलिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करिए हिडिम्बा टेम्पल। सो आई एम एट वन विहार नियर हिडिम्बा टेम्पल। इसका पैसेज हिडिम्बा टेम्पल से होते हुए ही जाता है। आज हमारा लास्ट डे, सेकेंड लास्ट डे है। कल हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। सो यस, नाउ यू एक्सपीरियंस द ब्यूटी इन द नेक्स्ट क्लिप। मैं आपको दिखा दूँगा, बहुत प्यारा फॉरेस्ट है यार, बहुत ही सुंदर। सो वेट फॉर द क्लिप। सो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते, लुक एट द ह्यूज ह्यूज ट्रीज, इतनी ब्यूटिफुल है। और ये बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में बना हुआ है।
ओके, दिस इज हिडिम्बा कैफे जो वन विहार पार्क के अंदर ही बना हुआ है. ऊपर कुछ स्टेयर्स चढ़ के ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं. सो नाउ ये जो रास्ता है हिडिम्बा टेम्पल की तरफ वापस जा रहा है, यही एंट्री है वन विहार के गेट की, जहाँ पे 10 रुपीज एडल्ट की टिकट है ना, 8 ईयर बिलो की टिकट 8 रुपीज है. सो या 8 रुपीज या 5 रुपीज ऐसा कुछ है आई थिंक. सो या हिडिम्बा टेम्पल, ये आ गया हिडिम्बा टेम्पल यहाँ पे. दिस इज हिडिम्बा टेम्पल, देख रहे एंट्री यही सही है. सुबिन मैंगो कोई यहाँ आए तो यहाँ पे रॉ मैंगोज मिलते हैं. गर्मियों में तो मिलते हैं, सर्दियों का आई डोंट नो, गर्मियों में रॉ मैंगोज मिलते हैं. इट्स अ मस्ट ट्राई. वो चिल्ली पाउडर और नमक डाल के देते हैं, बहुत टेस्टी होता है. लुक एट हिम, लुक गर्मियों में तो मिल जाता है, आई डोंट नो अबाउट सर्दी. तो अगर आप यहाँ आओगे यू मस्ट 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 ट्राई दिस, इट्स अ वेरी इट्स अ मस्ट ट्राई. वॉच योर स्टेप्स, लिमिटेड ग्लव्स कैप्स सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको. Going towards the exit of Hidimba Temple. Yeah, कोई आग मिल जाएगी पिक्चर क्लिक करने के लिए. नहीं थैंक यू. सो आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं गाइस कि हिडिम्बा टेम्पल के बाहर ये ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं स्नैकिंग के लिए, स्वीट कॉर्न मोमोज एंड शॉपिंग के लिए भी छोटे छोटे ऐसे स्ट्रीट पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको ब्रेसलेट्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैग्नेट्स ये सब चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी बहुत ही ईजीली एंड ड्रीम कैचर्स. तो बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने भी एक दो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से परचेज की थी. सो मज़ा आया यहाँ पे. बोले भी तो सुबिन इतना प्यारा है ये ओले बिच्ची. हिडिम्बा टेम्पल के बाहर से ऐसे ऑटोज मिल जाते हैं मॉल रोड जाने के लिए इजीली, तो हमें ड्रॉप भी हो जाएगा तो इजीली यहाँ से ऑटो मिल सकते हैं आराम से. आप ऑटो करो और मॉल. सो गाइज ये था हमारा मनाली का लास्ट डे हिडिम्बा टेम्पल एंड वन विहार का. आई होप आपने हमारी ये छोटी सी जर्नी इन्जॉय की होगी यहाँ की, और अगर आपने इन्जॉय की है तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे, और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी एंड आई ट्राई टू अपलोड सम मोर कॉन्टेंट फॉर यू. सो टिल देन लव यू, बाय, टेक केयर, बाय गाइज. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैंने अपने काम से छुट्टी ली है तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है. जब से मैं मनाली से वापस आई हूँ तब से मैंने अपने बैग को अनपैक नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. तो ये रहा मेरा बैग जिसको अभी मैं खाली करने वाली हूँ, और इसमें जितने भी मैं सर्दी के कपड़े साथ में रखी गई थी उसको पैक करके मैं ऊपर के फ्लोर पर भिजवा दूँगी. एंड ये बेडशीट्स एंड ऑल जो है ये सब मुझे क्लीन करना है. इस रूम की बहुत बुरी हालत है, लुक एट दिस मेस. ये वही मैं है ये. एंड ये रहा मेरा बैग एंड एवरीथिंग इज़ सो मच मेस्ड अप राइट नाउ. तो ये सब कुछ अभी जो है ये ठीक करना है, तो आपको दिखाऊंगी जो जो मैं क्लीन करूंगी वो इस रूम की हालत ठीक करने के बाद दिखाऊंगी. सो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. सो कीप वॉचिंग.
गाइस, तो जैसा आपने देखा कि मैं अपने रूम में क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने अपना रूम पूरी तरह क्लीन कर दिया है. तो अब एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये मैंने अच्छे से, वो मेरा जिम बैग है, वो यहीं रहता है, वो मेरा फेवरेट स्पॉट है, और ये मेरी रिंग लाइट है. ये दोनों चीज़ें मैं यहीं रखती हूँ क्योंकि ये मेरे को रोज़ चाहिए होता है जिम जाने के लिए, और ये जब मैं रील्स बनाती हूँ तब के लिए. और ये मेरा पूरा रूम नाइस एंड क्लीन, अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने. अलमीराज में सारे कपड़े लगा दिए हैं, सब चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन. और ये रही मैं. तो ये पूरा रूम मेरा क्लीन हो गया है. अब जैसे कि मैंने रूम की थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, बट आई थिंक अब मुझे अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है. तो मैं थोड़ा अपना डेंटिंग पेंटिंग करती हूँ, जो भी करूँगी. स्किन केयर जब से मनाली से आई हूँ कुछ किया ही नहीं है मैंने, तो जो भी करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. रुको, क्या हो गया, क्या हुआ है? मुझ पे भौंकने से कुछ नहीं होगा, क्या करूं मैं, मना किया है जब. अच्छा अच्छू आएगा, अच्छू को बोल दूंगी, अच्छू दे देगा. बेटा नहीं दे सकते है डुकू, नहीं. नोना नहीं. ओले मिला गुगु बच्चा, मेरा गुगु बच्चा, मेरी मोटी बच्ची. बेटा तो ये अपना पेट खराब करने से पहले सोचना चाहिए था ना. नहीं. मैं तो सुंदर बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ, सबसे प्यारा बच्चा हूँ, पेट खराब करके बैठा हूँ. मैं तो सोना बच्चा हूँ, क्यूटी क्यूटी बेबी हूँ. तो डेंटिंग पेंटिंग करने से पहले मैं अपना पूरा फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी. फेस वॉश करने के बाद देन आई थिंक आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लीच ऑन माय फेस, बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो रहा है फेस. तो ठीक है, फिर लेट्स डू इट. मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ, जस्ट ऐसे ही बताती हूँ. अच्छे से अपने फेस को वॉश करूँगी. यू नो आई एम लुकिंग लाइक अ भूत बेर. उसे वॉश करके ओके, तो मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है. वॉश करके मैंने अपने पैड ड्राई कर लिया अपने पूरे फेस को. अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ब्लीच, बिकॉज मेरा फेस बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो रखा है. ओके, तो ठीक है. सो मैंने ब्लीच अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस पे. अब मैं आई थिंक 10 से 15 मिनट वेट करूँगी, उसके बाद देन डी टैनिंग करनी थी, बट आई थिंक शायद करूँगी या शायद नहीं भी करूँगा, आई एम नॉट श्योर. तो इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी. आई विल गो एंड टेक शावर, और शावर लेके फिर मैं आपसे मिलती हूँ. हे एवरीवन, सो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं इस टाइम, 2:30 बज रहे हैं. मैं नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ, मतलब मैंने ब्लीच की, उसके बाद मैंने डी टैनिंग नहीं करी, मेरे पास टाइम नहीं था. तो लंच का टाइम हो गया है, तो लंच में मैं आई थी आज सिंपल दाल राइस ही खाऊंगी. एंड तो खाना खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी. सुबह से मैंने बहुत सारा काम किया है, एंड क्योंकि मैंने मनाली से आके कोई ब्रेक भी नहीं लिया था ना, आई हैव बीन वर्किंग लाइक फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम. तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी. आई एम वॉचिंग केरला क्राइम्स ऑन हॉटस्टार, इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़. अगर लाइक मतलब किसी को इंटरेस्ट हो कोई अच्छी क्राइम वेब सीरीज़ देखने में, थ्रिलर, सो अच्छी है. आई वुड सजेस्ट आप लोग भी देखो, इट इज़ अ नाइस, इट्स अ नाइस वेब सीरीज़. सो या बस अभी फ़िलहाल आई एम गोइंग टू लेज अराउंड, एंड इसके बाद आई एम प्लानिंग कि मैं आज कुछ अच्छी अच्छी रील्स बना लूँ. बहुत टाइम से मैंने कोई रील्स नहीं बनाई है इंस्टाग्राम के लिए, तो I'll see, मैं आज कुछ अच्छी सी रील्स बनाऊंगी. सो जब मैं रील्स के लिए, इवन इफ व्हेन आई एम गोइंग टू गेट रेडी फॉर रील्स, तो रील्स के लिए रेडी होते हुए मैं उसको व्लॉग में डालूंगी, क्लिप को, तो आप देखिएगा. ओके, सो दिस इज माय एंटायर लुक, दिस इज हाउ आई गॉट रेडी फॉर माय रील्स. आपको कैसा लगा मेरा लुक, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में. तो मैं आज रील के चक्कर में लेट हो गई हूँ, तो जिम चलते हैं. फटाफट से रेडी हो गई हूँ, शूज़ पहन रहे, बैग उठा के,
देन विल गो टू जिम फटाफट से रेडी ठीक है वॉलेट अपने वॉलेट के बिना कहीं नहीं जाती बिकॉज उसमें मेरे मतलब पैसे की जरूरत कभी पड़ जाती है और मेरा लाइसेंस वगैरह भी सब उसी में ही है तो आई हैव टू कैरी माई वॉलेट एक सेकेंड ओके आई गॉट माई वॉलेट सो गो कर देते हैं सब कुछ लेट मी ओपन मैं अपने जिम पहुँच गई हूँ लेट मी शो यू माई जिम दैट्स माई जिम मैं आपको वर्कआउट के बाद ही मिलूंगी बाय कुकी तो ये मेरे डॉग है इनको मैं जिम के बाहर फीड करती हूँ बुकी लगी है बुकी हाँ जी ये लो ये लो खा लो तुम आपस में बहुत लगते हैं इसलिए ये लो खा लो Bye. Good night. और भी है यहाँ पे इनको भी डाल दूँ क्या पर ये लड़ेंगे आपस में पर डाल दूंगी कोई बात नहीं चूना ओके तो मेरा जिम हो गया है और अब मैं गाड़ी में आ चुकी हूँ तो अब हम चल रहे हैं घर घर जाके बहुत चेंज करेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सो चलते हैं घर और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ इस व्लॉग को मेरा जिम है आपको दिख रहा होगा यहाँ से देख सकते हो आप सब मैं चल रहे हैं घर लेट्स गो हे गाइस सो मैं जिम से वापस आ चुकी हूँ घर पे मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े फैशन अप हो गई हूँ और बस अब मैं जाके अपना डिनर लूँगी डिनर में मैं नॉर्मली सैलड वगैरह ही खाती हूँ मैं डिनर मतलब राइस रोटी मैं नहीं लेती हूँ डिनर्स में मेजॉरिटी टाइम मैं सैलड्स वगैरह ही ले लेती हूँ और अगर कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आई प्रेफर टू टेक दलिया मैं नॉनवेज नहीं खाती एंड रेगुलरली पनीर भी बहुत बोर हो जाता है तो एनीवे वेजिटेरियंस के पास वैसे भी बहुत कम ऑप्शंस हैं सो और तो अब मैं बस जाऊंगी अपना डिनर करूंगी एंड आई एम टू टायर्ड नाउ सो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और इसे कंटिन्यू तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और बहुत 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 सारा प्यार दो बहुत सारा सपोर्ट दो आई लव यू गाइज टेक केयर गॉड ब्लेस बाय गुड नाइट डिनर की प्रिपरेशन चल रही है सिंपल सा खाना बन रहा है रात को न्यूट्रेला चंक्स जो सोया चंक्स होते हैं उसको डाल के मैं पुलाव बना रही हूँ एंड बस वही चल रही है प्रिपरेशन कुकिंग तो सैटरडे को आप लोग क्या डिनर करते हो यार बताना मुझे हमारा तो बहुत ही सिंपल सा डिनर है
जैसे जैसे बनाऊंगी वैसे वैसे बताती चली जाऊंगी। अभी फिलहाल मैंने इसमें प्याज फ्राई किए हैं, अभी फ्राई हो रहे हैं और अच्छे से जब ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। तो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे प्याज ब्राउन हो गए, मैंने इसमें दो छोटे छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट डाल के इसको अभी इसको हम इसे भून लेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है वो अच्छे से पुलाव में मिक्स हो जाए। एंड गार्लिक तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। तो इसको अच्छे से भून के देन चॉप टमेटोज आप इसमें डाल दो। सॉरी फॉर द मेस, क्योंकि मेरा खाना ना तो मेस हो ही जाता है बिकॉज मैंने राजमा भी बनाए हैं, चावल भी बनाए हैं अलग से एंड पुलाव अलग बन रहे हैं। सो या बस अब ये प्याज फ्राई होंगे, इसमें थोड़े से वेट करेंगे, थोड़े उसको ढक के रखा है मैंने ताकि ये प्याज गल जाए, ताकि गल जाएंगे तो फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ओके तो अब प्याज और वो सारा पेस्ट मतलब हमारे सारे वेजिटेबल्स जो है वो हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा, थोड़ी सी मैं इसमें डालने वाली हूँ लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी, हाँ ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए। और ये थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देते हैं इस पर फ्लेवर आएगा इससे। मैं ज़्यादा कुछ फ्लेवर मतलब ज़्यादा मसाले नहीं डालती क्योंकि हमको सिंपल रात का टाइम है और सिंपल पुलाव ही बनानी है, तो ये थोड़ा सा चाट मसाला इसमें मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से भूनना है। इसको मिक्स कर यार, एक तो ना एक हाथ से कैमरा और एक बोलो और एक हाथ से यू नो स्पैचुला पूरा घुमाना बड़ा मुश्किल काम है, तो बहुत सारी मूवमेंट है वीडियो में आई हूँ, लेकिन बेर इट यार मसाला अच्छे से भून रहा है। मैं इसमें हल्दी नहीं डालती मैं। ओके तो अब प्याज और वो सारा पेस्ट मतलब हमारे सारे वेजिटेबल्स जो है वो हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा, थोड़ी सी मैं इसमें डालने वाली हूँ लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी, हाँ ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए। और ये थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देते हैं इसका फ्लेवर आएगा इससे। मैं ज़्यादा कुछ फ्लेवर ज़्यादा मसाले नहीं डालती क्योंकि हमको सिंपल रात का टाइम है और सिंपल पुलाव ही बनानी है, तो ये थोड़ा सा चाट मसाला इसमें मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से भूनना है। इसको मिक्स कर यार, एक तो ना एक हाथ से कैमरा और एक बोलो और एक हाथ से यू नो स्पैचुला पूरा घुमाना बड़ा मुश्किल काम है, तो बहुत सारी मूवमेंट है वीडियो में आई हूँ, लेकिन बेर इट यार मसाला अच्छे से भून रहा है। मैं इसमें हल्दी नहीं डालती मैं। सो एज यू कैन सी मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और सोया चंक डाल दिए हैं, थोड़े से मटर भी डालूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे आप मसाले में पूरी तरह से। अब मैं थोड़ा मटर और डाल रही हूँ, वेट मटर भी ऐड कर दिए हैं और अब ये मसाले को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। बस चावल जो है मैंने साइड में वॉश करके रखे हैं उसको ऐड करेंगे और पानी डालेंगे। सो ठीक है, मटर भी ऐड कर दिए हैं और अब ये मसाले को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। बस चावल जो है मैंने साइड में वॉश करके रखे हैं उसको ऐड करेंगे और पानी डालेंगे। सो ठीक है, तो मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए एंड बस ये मसाला भी अब रेडी हो गया। अब बस इसमें पानी और ऐड करना है, तो वेट में पानी डालती हूँ इसमें। पानी इसमें अपने अकॉर्डिंग आपको हिसाब से डालना है, उतना ही कि बस ज़्यादा पानी नहीं डालना, अदरवाइज ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है वो पुलाव खिली खिली नहीं बनेगी। तो मैंने पानी बहुत कम रखा है अपने अंदाजे से, थोड़ा सा पानी और डालूँगी। वेजिटेबल्स भी आप अपने मतलब कि जो मर्ज़ी डालना चाहो डाल सकते हो, गाजर बीन्स और गोभी एंड ऑल। मेरे पास अभी जो था मैंने बस वही डाला है, तो बस ये हो गया, बस को हम सीटी लगाने के लिए डाल देंगे। तो मेरी पुलाव तैयार हो गई है, देखिए, एंड रायता भी लगाया बनाया है मैंने। इसमें मैंने बस थोड़ी सी ब्लैक पेपर और काला नमक डाला है, दैट्स इट। और बस अब डिनर का टाइम हो गया,
तो आप प्लीज रेसिपी से ट्राई करना, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताना।
Hey everyone, welcome back to my channel. आज मैंने अपने काम से छुट्टी ली है, तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है. जब से मैं मनाली से वापस आई हूँ तब से मैंने अपने बैग को अनपैक नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. तो ये रहा मेरा बैग जिसको अभी मैं खाली करने वाली हूँ, और इसमें जितने भी मैं सर्दी के कपड़े साथ में रखी गई थी उसको पैक करके मैं ऊपर के फ्लोर पर भिजवा दूँगी. एंड ये बेडशीट्स एंड ऑल जो है ये सब मुझे क्लीन करना है. इस रूम की बहुत बुरी हालत है, लुक एट दिस मेस. ये वही मैं है ये. एंड ये रहा मेरा बैग, एंड एवरीथिंग इज सो मच मेस्ड अप राइट नाउ. तो ये सब कुछ अभी जो है ये ठीक करना है, तो आपको दिखाऊंगी जो जो मैं क्लीन करूंगी वो इस रूम की हालत ठीक करने के बाद दिखाऊंगी. सो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. सो कीप वॉचिंग. गाइज, तो जैसा आपने देखा कि मैं अपने रूम में क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने अपना रूम पूरी तरह क्लीन कर दिया है. तो अब एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये मैंने अच्छे से, वो मेरा जिम बैग है वो यहीं रहता है, वो मेरा फेवरेट स्पॉट है, और ये मेरी रिंग लाइट है. ये दोनों चीज़ें मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे को रोज़ चाहिए होता है जिम जाने के लिए, और ये जब मैं रील्स बनाती हूँ तब के लिए. और ये मेरा पूरा रूम नाइस एंड क्लीन अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने. अलमीराज में सारे कपड़े लगा दिए हैं, सब चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन. और ये रही मैं. तो ये पूरा रूम मेरा क्लीन हो गया है. अब जैसे कि मैंने रूम की थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, बट आई थिंक अब मुझे अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा अपना डेंटिंग पेंटिंग करती हूँ. जो भी करूँगी स्किन केयर, जब से मनाली से आई हूँ कुछ किया ही नहीं है मैंने, तो जो भी करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं. रुको, क्या हो गया, क्या हुआ है? मुझ पे भौंकने से कुछ नहीं होगा, क्या करूं मैं, मना किया है जब. अच्छा अच्छू आएगा, अच्छू को बोल दूंगी, अच्छू दे देगा. बेटा नहीं दे सकते डुकू, नहीं. नोना न ओले मिला गुगु बच्चा.
मेरा गुगु बच्चा, मेरी मोटी बच्ची। बेटा तो ये अपना पेट खराब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। ना नहीं। मैं तो सुंदर बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ, सबसे प्यारा बच्चा हूँ, पेट खराब करके बैठा हूँ। मैं तो सोना बच्चा हूँ, क्यूटी क्यूटी बेबी हूँ। तो डेंटिंग पेंटिंग करने से पहले मैं अपना पूरा फेस को अच्छे से वॉश कर लूंगी। फेस वॉश करने के बाद देन आई थिंक आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लीच ऑन माय फेस बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो रहा है फेस। तो ठीक है फिर, लेट्स डू इट। मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ, जस्ट ऐसे ही बताती हूँ। अच्छे से अपने फेस को वॉश करूँगी। यू नो आई एम लुकिंग लाइक अ ब्रूट बेयर। इसे वॉश करके ओके, तो मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने अपने पैड ड्राई कर लिया अपने पूरे फेस को। अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ब्लीच बिकॉज मेरा फेस बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो रखा है। ओके तो ठीक है, सो मैंने ब्लीच अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस पे। मैं आई थिंक 10 से 15 मिनट वेट करूँगी, उसके बाद देन डी टैनिंग करनी थी बट आई थिंक शायद करूँगी या शायद नहीं भी करूँगा, आई एम नॉट श्योर। तो इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। आई गो एंड टेक शावर और शावर लेके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हे एवरीवन, सो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं इस टाइम, 2:30 बज रहे हैं। मैं नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ, मतलब मैंने ब्लीच की, उसके बाद मैंने डी टैनिंग नहीं करी, मेरे पास टाइम नहीं था। तो अब लंच का टाइम हो गया है, तो लंच में मैं आई थी आज सिंपल दाल राइस ही खाऊंगी। एंड तो खाना खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। सुबह से मैंने बहुत सारा काम किया है एंड क्योंकि मैंने मनाली से आके कोई ब्रेक भी नहीं लिया था ना, आई हैव बीन वर्किंग लाइक फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। आई एम वॉचिंग केरला क्राइम्स ऑन हॉटस्टार, इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़। अगर लाइक मतलब किसी को इंटरेस्ट हो कोई अच्छी क्राइम वेब सीरीज़ देखने में, थ्रिलर, सो अच्छी है, आई वुड सजेस्ट आप लोग भी देखो। इट इज़ अ नाइस, इट्स अ नाइस वेब सीरीज़। सो या बस अभी फ़िलहाल आई एम गोइंग टू लेज अराउंड एंड इसके बाद आई एम प्लानिंग कि मैं आज कुछ अच्छी अच्छी रील्स बना लूँ। बहुत टाइम से मैंने कोई रील्स नहीं बनाई है इंस्टाग्राम के लिए, तो आई सी मैं आज कुछ अच्छी सी रील्स बनाऊंगी। सो जब मैं रील्स के लिए, इवन इफ व्हेन आई एम गोइंग टू गेट रेडी फॉर रील्स, तो रील्स के लिए रेडी होते हुए मैं उसको व्लॉग में डालूंगी, क्लिप को, तो आप देखिएगा। ओके, सो दिस इज माय एंटायर लुक, दिस इज हाउ आई गॉट रेडी फॉर माय रील्स। आपको कैसा लगा मेरा लुक प्लीज मुझे बताना कमेंट में। तो मैं आज रील के चक्कर में लेट हो गई हूँ, तो जिम चलते हैं, फटाफट से रेडी हो गई हूँ, शूज पहन रहे, बैग उठा के, देन विल गो टू जिम, फटाफट से रेडी। ठीक है, वॉलेट अपने वॉलेट के बिना कहीं नहीं जाती बिकॉज उसमें मेरे मतलब पैसे की जरूरत कभी भी पड़ जाती है और मेरा लाइसेंस वगैरह भी सब उसी में ही है, तो आई हैव टू कैरी माई वॉलेट। एक सेकेंड, ओके आई गॉट माई वॉलेट। सो
कुछ लेट मी ओपन. मैं अपने जिम पहुंच गई हूँ. लेट मी शो यू माई जिम. दैट्स माई जिम. मैं आपको वर्कआउट के बाद ही मिलूंगा. ओए कुकी, तो ये मेरे डॉग हैं, इनको मैं जिम के बाहर फीड करती हूँ. बुकी लगी है. बुकी हाँ जी, ये लो. ये लो, खा लो. तुम्हें आपस में बहुत लगते हैं इसलिए. ये लो, खा लो. Bye. Good night. और भी है यहाँ पे, इनको भी डाल दूँ क्या? पर ये लड़ेंगे आपस में. पर डाल दूंगी, कोई बात नहीं. चूना. ओके, तो मेरा जिम हो गया है और अब मैं गाड़ी में आ चुकी हूँ. तो अब हम चल रहे हैं घर. घर जाके बहुत चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है. सो चलते हैं घर और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ इस व्लॉग को. मेरा जिम है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देख सकते हो आप. सब में चल रहे हैं घर. लेट्स गो. हे गाइस, सो मैं जिम से वापस आ चुकी हूँ घर पे. मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े, फैशन अप हो गई हूँ और बस अब मैं जाके अपना डिनर लूँगी. डिनर में मैं नॉर्मली सैलड वगैरह ही खाती हूँ. मैं डिनर मतलब राइस रोटी मैं नहीं लेती हूँ डिनर्स में. मेजॉरिटी टाइम मैं सैलड्स वगैरह ही ले लेती हूँ. और अगर कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आई प्रेफर टू टेक दलिया. मैं नॉन वेज नहीं खाती एंड रेगुलरली पनीर भी बहुत बोर हो जाता है. तो एनीवे, वेजिटेरियंस के पास वैसे भी बहुत कम ऑप्शंस हैं. सो और तो अब मैं बस जाऊंगी, अपना डिनर करूंगी एंड आई एम टू टायर्ड नाउ. सो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और इसे कंटिन्यू. तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बहुत 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 सारा प्यार दो, बहुत सारा सपोर्ट दो. आई लव यू गाइज. टेक केयर. गॉड ब्लेस. बाय. गुड नाइट. मिलते हैं.